हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 10 जनवरी 10 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक, यानी कि एक महीना आरओआर 2023 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान रखनी है, जिनसे आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स यहाँ से निकल जाए। मेंस की बात मेंस में देखी जाएगी, लेकिन कम से कम यहाँ से आप प्रीलिम्स निकाल लो। ये चीज़ आपके दिमाग में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक महीना होनी चाहिए। आपको इधर उधर की किसी भी और बात में दिमाग अपना नहीं लगाना है, किसी और बारे में नहीं सोचना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि आपने पढ़ाई पहले बहुत की है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। अगर आप 2 महीने से 3 महीने से 6 महीने से या उसके पहले से लगे हुए हो, इसका मतलब कि आपने पढ़ा अच्छा खासा है। अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर मार्केट में बहुत सारी किताबें आएंगी, इधर उधर यूट्यूब पर भी आपको 50 तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से जो आपने पहले से चीज़ें कर रखी हैं या जो आपको पता है अपने बारे में कि हाँ ये चीज़ आपके लिए काम करती है, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, उसके बेसिस पे आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है अगले 30 दिनों की, अगले 1 महीने की। और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है अपने हिसाब से। आपको हेल्प लेनी है दूसरी चीज़ों से कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये क्या चीज़ है तो इसको मैं देख लूँ, लेकिन अपने हिसाब से उसको देखना है। क्योंकि आपका जो टाइम है, आपकी जो रिसोर्स है, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सिर्फ आपको पता है। इसलिए एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपने किसी सब्जेक्ट में कितना कर लिया है, कितना आपको और करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट में वीक हो। और अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप अपने ऊपर अगले 1 महीने में भरोसा नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप 10 चीज़ों की तरफ भागेंगे, और 10 चीज़ों की तरफ भागेंगे तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, 1 महीना ही है। और फिर आपको ये होगा कि आपने ये भी किया है, वो भी किया है, आपको चीज़ें पढ़ी हुई तो लगेंगी, लेकिन आप वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको इस टाइम पर जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आत्मसात करना है, उसको रिवाइज करने की तरफ देखना है। डेली 4 घंटे आपको यहाँ से रिवाइज करना ही करना है। अब इसमें आप ये ना सोचिएगा कि 4 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। जिसको पास होना है वो 4 घंटे रिवाइज करेगा यहाँ से। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़िए, वो 3 घंटे के करीब रिवाइज करिए, बाकी के टाइम में आप पढ़िए। और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस टाइम पर कम से कम 8 घंटे पढ़ना चाहिए। कभी 7 घंटे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 8 घंटे 8.5 घंटे एक एवरेज आपका आना चाहिए। देखिए मटेरियल सबके पास ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है वो कोई ऐसा सोर्स फॉलो कर रहा है या कोई ऐसी टेस्ट सीरीज लगा रहा है या कोई ऐसी उसको जादू की चीज़ मिल गई है जो उसको मिली हुई है और आपके पास नहीं है तो आपका नहीं हुआ। इट्स जस्ट कि वो रिवीजन ज़्यादा करता है, जो उसने पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा रिवाइज करता है कैंडिडेट, तो इस वजह से वो पढ़े हुए क्वेश्चंस गलत नहीं करता है, जो चीज़ें इजी टू मॉडरेट है उनको गलत नहीं करता है। तो इसलिए रिवीजन आपको 4 घंटे करना है। अभी तक आप 2 घंटे 3 घंटे कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो आप जानते हो, क्योंकि मैं तो आपसे लगातार कहता आ रहा था। यहां से आपको ये 4 घंटे करना है। जो 4 घंटे करेगा उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जो पास होने वाला और फेल होने वाला जो कैंडिडेट होता है ना, तो उसको लगता है कि ऐसा मैंने क्या गलत किया कि मेरा नहीं हुआ एंड सामने वाले का हो गया। यही डिफरेंस होता है। वो जो चीज़ें पढ़ रहा है उसमें वो डाउटफुल नहीं है, तो कम से कम वो इतना कर ले जा रहा है कि उसकी कट ऑफ निकल जा रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब सोर्स या स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ना बदलें बार बार। स्टिक टू योर रिसोर्सेज, स्टिक टू योर जो भी आपने बुक्स या जो भी आपने नोट्स फॉलो कर रखे हैं, जो भी चीज़ आपने फॉलो कर रखी है उनको लिमिट करिए, कम से कम रखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। इतना पढ़िए कि आपको एक एक चीज़ पता हो कि अच्छा ठीक है इसमें ये है, इसमें यहाँ पर ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कोई सोर्स लिया, 2 दिन आपने उसको बदल दिया, 2 दिन आपने उसको पढ़ा, देन 4 दिन बाद आपने बदल दिया, देन आपने आज कोई स्ट्रेटजी बनाई, 4 दिन बाद आप उससे हताश हो गए, आपको लगा ये तो काम करेगी नहीं, फिर आपने वो स्ट्रेटजी बदल दी, फिर आप किसी दूसरे का देखने लगे। ये नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो इंसान अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेगा वो फिर वहाँ पर जब ऑप्शन आप टिक करोगे ना, तो आप किसी भी ऑप्शन पर भरोसा नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि यू विल ऑलवेज बी डाउटफुल कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हर पासिंग वीक के साथ साथ सब्जेक्ट्स अपने फाइनल करते जाओ। जैसे कि आज 10 जनवरी है, तो अब आप फाइनल करो कि भाई 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में जब 20 जनवरी आएगी तो अगले 10 दिन बाद मेरे कम से कम ये 2 सब्जेक्ट तैयार होंगे, ये 3 सब्जेक्ट मेरी कमांड होगी, इनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, इनमें मेरा ऐसा सीन होगा कि बस एग्जाम के पहले भी अगर मुझे 2 दिन मिल जाए तो बस मैं इनको देखूंगा या देखूंगी एंड मेरे ये सेक्शन तैयार हो जाएगा, ये विषय मेरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर पासिंग वीक के साथ आप अपनी चीज़ों को फाइनलाइज़ कर पाओ। पांचवा पॉइंट ये है कि देखिए स्ट्रेस आपको बहुत होगा, एंग्जाइटी भी होगी, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि पेपर कैसा आएगा। लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, जो भी आपने प्रोसेस फॉलो की है उस पर भरोसा करिए। अगर आप पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से 3 महीने से 6 महीने से या उसके पहले से सिंसियर थे, गंभीर थे और आपने इसको हल्के में नहीं लिया, तो आपका डेफिनेटली होगा। बाकी आपने अगर पढ़ाई की है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है, क्योंकि आपके दिमाग में 50 चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए चीज़ों को, तो उसमें प्रेशर लगता ही लगता है, मतलब उसमें आपको आपके ऊपर दबाव आएगा ही आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं होता है। देखिए
ये जो समय है यहाँ पर आपको 8 घंटे निकालने ही निकालने हैं, ये आपका एवरेज है, इसमें आपको कोई भी किसी तरीके की केयरलेसनेस नहीं दिखानी है। हिंदी अब रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हर 4-5 दिन में भी पढ़ सकते हो, बिकॉज आप हिंदी लगातार पढ़ रहे थे अभी तक। तो हिंदी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतना तो कर ही चुके हो कि आपको आइडिया है कि अगर आप 4-5 दिन बाद भी करोगे ना तो हिंदी डुएबल है। तो इसलिए 4-5 दिन में आप पढ़िए, लेकिन एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ कितने नंबर मेरे हिंदी में अभी आ रहे हैं या मेरे कितने मैं कितने ले आऊँगी, क्योंकि हिंदी में पता लग जाता है। हिंदी में ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बाउंड्री हैं, आउट ऑफ लिमिटेशन हैं, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप जान जाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि आप फैक्चुअल चीज़ों पर आपको फोकस करना शुरू कर देना है। आखिरी के 30 दिन बचे हुए हैं, अब आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने थे समझने थे जो करना तो समझ लिया। अगर आपको इन्फ्लेशन का अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर इन्फ्लेशन आप उसको रहने दीजिए, उसमें जितना रटने वाली चीज़ें रट लीजिए, बाकी आप उसको रहने दीजिए। ये समय अब ऐसा आ गया है कि इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो ये फैक्ट यहाँ पर है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, मानसून में कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, एग्जैक्ट पता हो कि भाई ये ऐसा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो अब 1 महीना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि जो ईयर्स हैं, जो डेट्स हैं, उसमें आपको दिक्कत ना हो, आप शॉर्ट एकदम 100% आंसर जानते हो। टेलीग्राम से ऑलरेडी आप शेड्यूल निकाल सकते हो, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी PDF दी हुई है कि 10 फरवरी तक का पूरा जो एक रिवीजन का प्लान है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कितने घंटे देने हैं, कैसे क्या, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर पड़ी हुई हैं। जो लोग पुराने हैं वो तो ऑब्वियसली जानते हैं, जो नए हैं जिनको नहीं पता है तो वो टेलीग्राम से वो शेड्यूल निकाल लेंगे, तो उसमें उनको पूरा पता चल जाएगा कि 31 जनवरी तक पहले क्या करना है एंड देन 1 से 10 फरवरी के बीच में क्या करना है। करंट अफेयर्स आपसे डेली पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत पहले से मैंने बताता आ रहा हूँ, लगातार मैं बोलता आ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, बट स्टिल वो नहीं पढ़ते हैं, वो बात के लिए उसको पाइलअप करते हैं एंड वो अभी स्टैटिक पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए स्टैटिक आप लास्ट डे तक पढ़ते रहेंगे फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने डेली 20 क्वेश्चन भी पढ़े ना तो 5 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके 5 दिन में 500 क्वेश्चन हो गए। 500 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 500 क्वेश्चन अगर आपको एग्जैक्ट याद हैं उसी में से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा तक होता है। क्यों? क्योंकि वो 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की चीज़ होती है, उसमें ये नहीं होता है कि आप आज पढ़ रहे हैं फिर 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं फिर अपने एग्जाम के 2 दिन पहले उठाया, नहीं, डेली पढ़िए उसको। और जो इंसान डेली पढ़ता चला रहा है उसको बहुत चीज़ें याद हैं, वो उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है। इसलिए अभी से यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ से 30 दिन यानी कि 10 फरवरी तक 10 जनवरी से डेली आपको पढ़ना है। और मैं भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाला हूँ तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स में जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, जो नहीं पढ़ा है वो छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसमें अगर आप शॉर्ट शॉर्ट हो ना तो अगले 3 क्वेश्चन आप जरूर सही कर लोगे। ये चीज़ 100% काम करती है। ABS में भी इसी तरह से हुआ और अभी RO का पेपर होगा उसमें भी आप ये चीज़ देखोगे और फिर UPSC के पेपर में भी आप ये चीज़ विटनेस करोगे। इसलिए करंट अफेयर्स में जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो एंड डेली पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ो। इसके बाद में किसी सब्जेक्ट को लेकर के अब आप बैठे ना रहे 3-4 दिन। ये सपोज आपने एनवायरनमेंट उठाया, अब आप एनवायरनमेंट में हर एक छोटी छोटी चीज़ के पीछे R&D कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। जो चीज़ समझनी थी आपने समझ ली, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको रख लीजिए। बहुत ही टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आपसे उसके पीछे की R&D नहीं मांगी जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें मालूम हो। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप 4-5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता नहीं देना है। ये नहीं कि एंशंट के क्वेश्चन आते हैं 3-4 और आप 1 हफ्ते तक एंशंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या मिडिवल हिस्ट्री 1 हफ्ते तक पढ़ा रहे हैं, नहीं, 1 हफ्ते में तो 2 सब्जेक्ट पूरे रिवाइज हो जाएंगे, एनवायरमेंट और पॉलिटी। इसलिए जो भी सब्जेक्ट उठाएं उसको टारगेट बेसिस पे उठाएं, मिशन मोड में उठाएं कि मुझे इतने समय में ये चीज़ तैयार करनी ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स अगर आपने शॉर्ट वाले वेरी शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं, जिस भी व्यक्ति ने बनाए हैं, उसको अब इन 1 महीने में अच्छे से उनको रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं बनाए तो अदरवाइज डायरेक्ट सोर्स जो भी आपका है, जैसे भी आपने किया हुआ है आप उससे करिए, लेकिन जिसने अपने हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो देन उसी से करेगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो EVS है यानी कि एनवायरमेंट साइंस यानी कि एनवायरमेंट, इसके अलावा जो पॉलिटी है, UP Special है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बायोलॉजी और इकोनॉमी है, ये मेजर रोल प्ले करने वाले हैं एग्जाम निकालने में। क्यों? क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि इनको हर कोई ढंग से पढ़कर जा रहा है। जैसे अगर आप बात करो एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट में इतनी बेसिक चीज़ें पूछता है कि वो ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट सही करता है। पॉलिटी में जो चीज़ें जो टॉपिक्स आते हैं वो रिपीटेड आते हैं, APS का पेपर देख लो उससे भी आपको पता लग रहा है। तो इसलिए पॉलिटी भी हर व्यक्ति पढ़ के जाता है तो वो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से कर ले जाता है। UP Special तो हर कोई पढ़ रहा है क्योंकि हर किसी को पता चल चुका है कि RO के लिए UP Special कितना इंपॉर्टेंट है। तो UP Special तो जिसका वीक भी था उसने भी इस सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया है। हिंदी की बात आप जानते ही हो, हिंदी तो RO दो चाहते हैं, उसका प्रीलिम्स निकालने में सबसे क्रूशियल रोल है क्योंकि 60 नंबर की है। 60 नंबर GS में लाने में और हिंदी में लाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली तो आप 55 नंबर आराम से ले आओगे हिंदी के अंदर, लेकिन वही 55 नंबर अगर आपको GS में लाने हो तो उसमें हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर बात करें तो ज्योग्राफी ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स ऐसे आएंगे एंशिएंट या मेडिवल के जो 3-3 4-4 क्वेश्चन आएंगे कि वो आपने शायद कभी ना सुने हो अपनी लाइफ में।
लेकिन ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। इसमें एक या दो क्वेश्चन ही रैंडम होते हैं जो आपने कभी पढ़े सुने देखे नहीं होंगे इधर उधर, लेकिन बाकी हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री लेकिन ऐसी होती है जो एक्सपेक्टेड होती है, उसमें पता होता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चलती हैं, वही आती हैं। जैसे APS का पेपर हुआ तो उसमें खानवा का युद्ध पूछा गया था, बैटल ऑफ खानवा मैंने आपको अपने नोट्स में कराया हुआ है। आपको उस दिन जब मैंने चंदेरी का बैटल कराया था, घाघरा वाला बैटल कराया था, बैटल ऑफ खानवा कराया था, तो मैंने पूरा बाबर अबर वाला वो बताया था कि नहीं बताया था, नोट्स में है वो, जिसको डाउट हो तो वो जाकर के नोट्स में देख लेना, वो मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम पर। तो यही सब चीज़ें पूछता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या जो लेट आपकी मिडिवल हिस्ट्री हो गई, इसमें चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। इसके बाद आप बात करोगे बायोलॉजी की, देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीन चीज़ें हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पूछता है, APS का पेपर उठा के देख लोगे उसका ही पता चल जाएगा। बायोलॉजी में भी एक्सपेक्टेड चीज़ें पूछता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पूछता है। जैसे विटामिन के बारे में पूछा पिछले 6 महीने से, मैं बताता चला आ रहा हूँ कि विटामिन इंपॉर्टेंट है, उनकी कमी से जो बीमारियाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, APS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोलॉजी में जो चीज़ें आएंगी वो आपको पता रहेंगी, अगर आप वो पढ़ के नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। इकॉनमी की बात करें, RO/RO में इकॉनमी पर थोड़ा फोकस किया जाता है, जो इनकी मेन मेन चीज़ें हैं जैसे 5-year plan हो गए, NABARD हो गया, FERA/FEMA हो गया, या फिर 1991 का जो आपका पूरा पीरियड था, कुछ कुछ स्कीम हो गई, इन पर ये फोकस करते हैं, इसलिए ये भी हर कोई पढ़ के जाता है, इसको आपको गलत नहीं करना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ये आखिरी 30 दिन है इसमें युद्ध स्तर पर मिशन मोड में एकदम प्रिपेयर करना है आपको। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर आपने 5 दिन पढ़ा, फिर आप 1 हफ्ते गायब हो गए, नहीं। डेली बेसिस पर अपने टारगेट बनाइए अपने हिसाब से कि भाई आज मेरे को इतना करना है, आज मैं इतना करने वाली हूँ, और वो डेडलाइन आपको मीट करनी है। नो मैटर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब चीज़ें साइड कर दीजिए। 1 महीने में कोई चीज़ आपकी इधर उधर नहीं हो जाएगी, जो भी चीज़ें हैं, अनटिल अनलेस की एकदम आपके सामने इमरजेंसी आई हुई है कि लाइक यू हैव नो अदर ऑप्शन, वो बात मैं नहीं कर रहा, एक नॉर्मल वे से मैं बात कर रहा हूँ। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये है वो है उधर उधर और दूसरे ऑप्शन है, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, इसमें 4 एग्जाम पर फोकस आप करेंगे तो आप चारों में डूब जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। इस टाइम पर कोई एक चीज़ अपनी पकड़ लीजिए एंड बस उसमें अपना 1 महीना आपको देना है पूरा का पूरा। इसलिए ये जो अब 30 दिन है इसमें डेली टारगेट बनाइए, उसको चेकलिस्ट एक टाइप की, उसमें रात में सोने से पहले एक अपने पेज पर लिख लीजिए कल ये 10 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, कल ये 5 टारगेट मुझे कंप्लीट करने हैं, एंड उनको एनी हाउ आपको करना ही करना है। देखिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 5 महीनों से, 6 महीने से, 2 महीने से, 2.5 महीने से, जितने भी समय से आप उससे जुड़े हुए हो, जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते जाओ कमेंट्स में बताते जाओ, अकॉर्डिंगली मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है आपने ये प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पर आपको दिक्कत है, तो अकॉर्डिंगली मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ला पाऊँगा। आई होप आप चीज़ों को बेटर वे में कर पाओगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं आपको रिविज़न करवाता रहूँगा लगातार 30 दिन तक, लगातार वीडियो आएगी, उसमें चाहे करंट अफेयर्स की बात हो और भी चीज़ें हो, जो भी हो सब्जेक्ट वाइज बात हो, मैं रिवीजन करवाता रहूँगा। बाकी जो भी नोट्स वगैरह जो भी फ्री चीज़ें सब होती हैं सब मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम क्या है? अनुज चतुर्वेदी UPSC। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।